बार फिर से आईसीसी की जो ट्रॉफी है वो भारत आने से एक बार फिर चूक गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 69 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 253 रन बनाए और जीत के लिए भारत को 254 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत की पूरी टीम 174 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 47 रन आदर्श सिंह ने बनाए। इसके अलावा गुरमन अभिषेक ने 42 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से हरजस सिंह ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मेरे सहयोगी विमल मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो इंतजार है आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी की एक बड़ी ट्रॉफी आने का, विमल जी और लंबा हो गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हार गए ऑस्ट्रेलिया के सामने। बिल्कुल टीस तो है, मतलब 3 महीने पहले आपको सीनियर टीम ने हराया और फिर अभी जूनियर टीम ने हराया और सीनियर लेवल पे तो 10 साल हो गए बड़ी ट्रॉफी के। और क्योंकि जो पिछली जो हार हुई है नवंबर में अहमदाबाद में, जाहिर तौर पे फैंस एक्सपर्ट्स को उससे जोड़ के देखेंगे और इसलिए भी जोड़ के देखेंगे क्योंकि एक जो मेंटेलिटी की बात है, कई बार अगर आप फाइनल स्टेज पे आके फॉल्टर करते हैं तो सिंपलिस्टिक आंसर नहीं होगा इसका यकीनन, क्योंकि अगर सिंपलिस्टिक आंसर होता तो, लेकिन बहुत सारा जो माइंड गेम्स है जिस तरीके से, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और अगर इस तरह से आप फॉल्टर होते, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया को एक जो इंपॉर्टेंट मैच मिला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो उन्होंने यकीनन लाजवाब खेली, यादगार पारी खेली और 2002 नेटवेस्ट की एक तरह से याद आ गई थी, तो वो एक टेम्परामेंट दिख रहा था। लेकिन यहां जब फाइनल स्टेज पे आया तो ऑस्ट्रेलिया कितना ग्रिटी टीम है और जिस तरह की पिच है यहां पे, आप ये नहीं कह सकते, आप इंडिविजुअली देखेंगे 3 बैट्समैन मारे टॉप 3 में जो टोटल रन बना रहे हैं उसमें आपके टॉप 3 में है। लिंबारा जो है वो जो उन्होंने अच्छी शुरुआत भी दी थी यहां पे, तो फॉल्टर हो रहे हैं और उसके जैसे आप कह रहे थे कि ये ट्रॉफी भी हाथ से निकली और 3 महीने के गैप में निकली है 19 नवंबर और आज यहां पे फरवरी में, तो जाहिर तौर पे टीज भी है और लोग जोड़ के भी देखेंगे। ये जीत जाते तो रिकॉर्ड, 6 बार हम जीतते, 5 बार भी हमारा ही रिकॉर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 4थी बार अगर यहां पहुंच रहा है तो आप मतलब ये देखने की बात होगी कि एक टीम कैसे सिस्टम बना के ये करती है और आप सिस्टम के थ्रू फॉल अगर फेल कर रहे हैं तो क्या दोनों को जोड़ के देखने की जरूरत है, क्या ये हमारा फेनोमेना तो नहीं बनता जा रहा है कि थोड़ा ग्रिटी सिचुएशन हो तो हम फॉल्टर कर सकते हैं, बाय चांस कई बार जीतते हैं और कई सारे रिजल्ट्स जो है आज से नहीं, मतलब 1984 में जब पीटी उषा हारी थी फोटो फिनिश में, तब से लेके या शायद पहले से भी इस तरह की चीजें हम लोग बातचीत करते रहे, तो क्या एक फेनोमेना है, इस पे बात करने की जरूरत होगी। और जैसे मैं कहा ना तो इसका सिंपलिस्टिक आंसर है ना हम आपके पास इसका कोई आंसर है, लेकिन जरूर ये एक एस्पेक्ट होता है खेल का जहां पे साइकोलॉजिस्ट या मेंटल गेम की आजकल बात होती है तो शायद उस पे गौर करने की जरूरत। एक बात तो विमल जी कहनी पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका कोई सिंपलिस्टिक आंसर नहीं है, लेकिन ये जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का जो सिलसिला है, क्या कहीं ना कहीं माना जाए कि अब भारत में थोड़ा सा एक जो साउथ अफ्रीका को कहते थे कि थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, येलो जर्सी देखकर भारत की टीम फाइनल में प्रेशर में आ जाती है? देखिए बहुत सारा हुआ है, मतलब सिर्फ ये क्रिकेट की बात नहीं है, आप 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था यहाँ पे और वो एक नई स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे, 1400 और लगता था सैलाब आ गया है, 10 गोल उन्होंने कर दिए, प्रधानमंत्री उस मैच को देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को लेके देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के खेल का स्टाइल है, आपने अगर उनको मौका दिया वो घुस जाएंगे बीच में और वो ग्रिट उनको जो उनका जो खेल का सिस्टम है वो उनको सिखाता है। हमको उस लेवल तक जाने के लिए, उस तरीके से सोचने के लिए, हमने ऑस्ट्रेलिया को कई बार हराया भी, ऐसी बात नहीं है, अगर वर्ल्ड कप की ही बात करें तो हमने ज्यादा बार उनको हराया था। लेकिन क्या अब जो ये फेनोमेना हो रहा है, जैसे ये बात हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने पहले हम बहुत सीनियर लेवल बहुत अच्छे टूर्नामेंट खेले और केवल एक मैच हारे, उसी तरह से अंडर 19 वाला ये जो टूर्नामेंट है 6 मैच जीते और बाद में जाके हमारे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की भी हालत पाकिस्तान के हाथों ऐसी ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने वहां से मैच निकाला। उसी तरह 32-4 पे हम खेले थे साउथ अफ्रीका मेजबान टीम फास्ट पिच, उसके बावजूद हमने निकाला। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो जैसे आप कह रहे हैं कि क्या
ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, जो भी ऐसी ग्रेटी टीम है जो उस लेवल पे खेलती है, उस मेंटालिटी से खेलती है जिसके हम लोग माइंड गेम्स की बात कर रहे हैं, ये एक बहस का विषय जरूर रहेगा कि क्या उस लेवल पे अब गेम आ गया, कोई भी दूसरा गेम जहां पे हमको उस एस्पेक्ट को भी सोचने की जरूरत है। विमल मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से दुख की बात है, मैं और विमल एक बार फिर से बातचीत कर रहे हैं भारत की हार की, लेकिन हुआ यही है, आईसीसी की अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया अब चैंपियन बन गया है, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीता।